वेलकम बैक बच्चों। डाटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड रिप्रेजेंटेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ डाटा इन पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमने स्टेटिस्टिक्स में जो पढ़ा था पहले, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में पहले जो पढ़ा था उसी के बारे में आएगा। तो सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीज हमने पढ़ा था। मीन, ये सारी चीजें एवरेज और एवरेज के आसपास की वैल्यू को बताती है। किसी भी डाटा में जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू के आसपास की चीजों को ही बताती है। मीडियन क्या बताता है, मीडियन भी लगभग एवरेज की तरह ही है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है मीडियन जब निकालते हैं। मोड क्या बताता है, मोड एक्चुअली मोड थोड़ा सा एवरेज से अलग है। मोड ये बताता है कि उस डाटा में, उस इंफॉर्मेशन में कौन सा नंबर या कौन सी वैल्यूज बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो वो डाटा यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीन दो चीजें हैं, ये एवरेज के आसपास ही जाएंगे दोनों, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो उसका डाटा का मोड होगा। ये फर्क होता है मीन, मीडियन और मोड में। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, सबका सम करके उसको डिवाइड करते हैं, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने पहले ही बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ओके, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सपोज मेरे पास 10 नंबर्स हैं, 70, 54, 58, 76, 20 या 48, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 34, 56, 78, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 74 कर देते हैं। ठीक है, ये 10 डाटाज हैं, 10 वैल्यूज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 10। अब इसको सम करेंगे, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन जब निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, 54 प्लस 58 प्लस लास्ट में 74 है। ठीक है, सारे नंबर्स को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सबको जोड़ के फिर किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा अर्थमेटिक मीन आएगा। ओके, ठीक है, ये समझ में आया। अब मीडियन में, मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने की कंडीशन अलग होती है। ये तो हो गया मीन का, मैं पहले समझा दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन जब निकालते हैं हम लोग, ओके, तो मीडियन जब निकालेंगे तो मीडियन के लिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है, अगर इवन है, ठीक है, तो जैसे मैं ऑड ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, 1, 3, 4, 6, 5, 7 और 8, इसका हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना। तो मीडियन में सबसे पहला काम होता है अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एक नंबर आगे पीछे था। आप क्या देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, सॉरी ऑड लेना है ना, ठीक है, इसको 9 ले लेते हैं, तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड है,
ठीक है। अब इसको अरेंज किए, ऑड है 7 ऑब्जर्वेशन से, तो 7 ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, एन प्लस वन बाई टू थर्ड टर्म, ठीक है। अब एन यहाँ पे क्या है, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एन प्लस वन बाई टू थर्ड टर्म क्या हो गया, इसका मीडियन होगा। अब कितना है हमारा एन, 7 है, तो 7 प्लस 1 बाई 2 मीन्स कितना आएगा, फोर्थ टर्म, 8 बाई 2 मीन्स फोर्थ टर्म। अब इसमें फोर्थ टर्म देखिए, 1 2 3 4, सिक्स इसका मीडियन होगा, तो आंसर कितना होगा, मीडियन इज 6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आया समझ में। तो इस तरह से हम मीन मीडियन निकाल सकते हैं इजी तरीके से। मीडियन ये तो हो गया ऑड ऑब्जर्वेशन में, अब इवन ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10, 15, 20, 15, 25, 45, 30, 35, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 55, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 50 कर दो इसको, ओके। तो देखिए आंसर, इसको पहले अरेंज करेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमसे याद रखिए अरेंजमेंट करना है, तो 10, 15, 20, 15 दो बार है, ठीक है, 15, 20, 25, 50, 10, 15, 15, ठीक है, इसको टिक करते जाइए, 20, 25, 30, 35, 45, 45, 40 और 45 और 50, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इवन ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इवन ऑब्जर्वेशन में क्या करना है हमको, ये तो नहीं कर सकते एन प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, 11 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 बाई 2, 5.5th टर्म क्या है, कहीं नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस 1th टर्म दोनों का एवरेज, ठीक है। कब करेंगे, जब इवन ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। दोनों का मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसका फॉर्मूला क्या है, एन प्लस वन बाई टू टर्म, और इसका क्या होगा, एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस 1th टर्म का एवरेज। तो एन बाई टू मतलब 10 है, तो 10 बाई 2 मतलब 5th टर्म, 10 प्लस 1 मतलब 6th टर्म बाई टू, ठीक है। तो 5th टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6th टर्म, 25 प्लस 30 बाई 2, ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, 25 प्लस 30 बाई 2, तो इन दोनों का 55 बाई 2, ये आ जाएगा आपका 2, 2 जा 4, ठीक है, 1 बचा 2, 7 जा 14.5, ये दोनों का एवरेज कितना आएगा, 27.5। इस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या मीन और मीडियन, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में, तो ये सोच के मत बैठिए कि आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, कंपलसरी होगा, और इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही जरूर, कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। दिस आई हैव पिक्ड रेंडमली, वहां बुक में क्वेश्चन दूसरा है, मैंने अलग लिया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बताने के लिए है कि कैसे फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला में जा सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोड, मोड निकालने के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हम जब आगे अनग्रुप डाटा में जाएंगे तब होगा, ठीक है। ये ग्रुप अनग्रुप डाटा होता है, ग्रुपिंग जब होगा डाटा का, ठीक है, ग्रुपिंग मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा होगा तब हम उसको तब हम वहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मॉड, मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालेंगे, देखो जैसे 3, 6, 7, 9, 6, 10, 5, 6, 18, 14, 6, 7, 3, 3, 6, 7, 10, 5। अब इसमें देखिए जैसे 3 कितनी बार आ रहा है, क्या क्या नंबर वो देख लेते हैं, 4, 4, 5,
ठीक है, एट, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, उसके बाद है टेन, नाइन तो शायद नहीं है, ठीक है, मैंने रेंडमली पिक किया हुआ है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बुक में मिले आपको, टेन, फिर फोर्टीन और एटीन, ठीक है, फोर्टीन और एटीन, इसका काउंट करेंगे टेली काउंट, ठीक है, टेली काउंट आता है ना, तो थ्री कट करिए, यहाँ वन और है, फाइव फाइव, वन वन, ठीक है, तो टेली काउंट में ये कितना आया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फोर, फोर देखिए, फोर तो इधर कहीं नहीं, यहीं पे भी है, वन टू, ठीक है, इसके बाद आएंगे फाइव, फाइव देखो यहाँ पे, वन टू हो गया, वन और है फाइव, वन वन हो गया, ये भी हो गया, थ्री सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी फाइव में ये होगा, ये सिक्स ये होगा, ठीक है, वो मैं काउंट करने के लिए लिख रहा था इसीलिए वैसे लिखा गया था। अब इसके बाद आएंगे ए सेवन, वन आदि टू जहाँ तो क्या खाने मिला थ्री, जा जा यहाँ भी सेवन कर जहाँ देते तो हैं, क्या ठीक है, यहाँ भी सेवन लिख देते हैं, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन लिखे, वन टू थ्री, तो एक दो कट गए हैं, तीन कट गए, ठीक है, एक काम कर देते हैं, सेवन वही सेवन, ठीक है, ये हो गया, ये कितना हो गया सिक्स, ये कितना हो गया फाइव, एट 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 देखिए, वन वन, टेन कितना है, टेन वन टू, वन टू, फोर्टीन कितना एक ही है, वन वन, एटीन कितना है, वन वन वन, ठीक है, इसमें किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सिक्स का ज़्यादा है, कितना टाइम है, सिक्स टाइम्स है, इसका मोड क्या होगा, सिक्स ही होगा, ठीक है, ये नहीं होता है, ये होगा आंसर, यहाँ रखिएगा, तो कंफ्यूज तो ये, इसको मैं एक बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको हम लोग सेवन कर लेते हैं, तो मोड इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, सिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, जो आप लोग करते आ रहे हैं बचपन से, बहुत आसान है। तो पहला आपका एक्सरसाइज जो है इसी पे बेस्ड है पूरा, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन ज़्यादातर, ठीक है, और कुछ ऐसा है फाइंड द एवरेज प्राइस, एवरेज, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन हिसाब से करेंगे, तो आपका मीन मीडियन मोड वाले जितने क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो फर्स्ट आप एक्सरसाइज वन में जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मेन मीडियन मोड याद भी आ गया होगा, जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था, ओके। अब कॉन्सेप्ट में आते हैं, कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या दिया देखिए, द टू फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विल यू यूज अर्थमेटिक मीन और मीडियन, इन विच क्वेश्चन वी कांट यूज आइदर ऑफ द टू, ठीक है। तो इसमें देखिए विच इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर इन द स्टेट, इसमें क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, है ना, विच इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर इन द स्टेट, ओके। तो इसमें क्या करना है आपको बताना है कि हम मीडियन निकाल सकते हैं, मीन से निकाल सकते हैं कि मोड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन देना था, वैसे तीसरा नहीं दिया है। टू फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विल यूज अर्थमेटिक मीन मीडियन और मोड, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मोड से बनेंगे। तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर, तो भाई मोस्ट पॉपुलर कब होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसके लोग ज्यादा पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, तो जिसके ज्यादा पढ़ने वाले होंगे वो पॉपुलर है, तो पॉपुलर है मतलब वो मोड निकालेंगे उसका, ठीक है, मोड निकलेगा तब होगा। वट वॉज द एवरेज रेनफॉल, तो एवरेज निकालने के लिए आपको हमेशा मीन निकालना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन है। दूसरा, 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एग्जामिनेशन, हु आर द टॉप परफॉर्मिंग 50 स्टूडेंट्स अमंग देम डिपेंडिंग ऑन मार्क्स ऑफ 10, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, ठीक है, मीडियन निकालेंगे, 50 मीडियन, 50 लोग को मीडियन निकालेंगे, तब हमको समझ में आएगा कौन कौन सा टॉप परफॉर्मिंग
ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वाज द एवरेज प्राइस, एवरेज जहां पे है वहां पे अर्थमेटिक में, ठीक है। विच प्लेयर हैज टेकन हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, तो सिंपल सा है, इसमें भी जो जिस प्लेयर का ज्यादा होगा वो मॉड में रहेगा। हाउ विल यू डिसाइड द नंबर ऑफ रोटीज टू बी कुक्ड फॉर 20 गेस्ट इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। सिक्स का तो इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवरेज भी नहीं निकाल सकते हाँ भाई, 20 गेस्ट इनवाइटेड हैं वो आपको थोड़ी पता कितना खाएंगे क्या है, ओके। सो आप इसमें कुछ नहीं निकाल। इन विच मंथ डज मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर, तो भाई रेनफॉल के बारे में पता ही नहीं है, है ना, कौन से मंथ में निकलता है, ठीक है। तो सॉरी, ये रोटीज के लिए एवरेज निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन रेनफॉल का कोई डाटा नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन टू है, तो इसको आप आंसर बुक से देख के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज समझ के लिखना तो समझ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए डाटा जो दिया हुआ है, डाटा ऑफ रेनफॉल इन 10 मंथ्स इज एज फॉलोस, 243.50, ठीक है, इन मिलीमीटर, ओके, 266.00, 347.70, 240.00, 325.00, 264.80, 356.60, 211.60, 246.90, ठीक है। 10 मंथ्स का है तो 339 हो गया ना, एक टेंथ वाला 282.70, ठीक है। तो इसका सम निकालेंगे तो एवरेज रेनफॉल के लिए क्या यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला पहले लिखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसको 243.50, 266.00, 347.70 प्लस, तो पूरा लिखेंगे आप 240.00, 325.20, 264.80, 356.30, 211.60, 240.90 प्लस 282.70। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो अरेंज किया हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इसमें इसी को जोड़ जोड़ के फिर जोड़ दूंगा, ठीक है। अपॉन कितना होगा 10, ठीक है। इसमें मैं ये सीरीज वाइज ऐसा ही जोड़ दे रहा हूँ ताकि मुझे आसान हो जाए जोड़ने में, ठीक है। ये हो गया 0000, 0 ही आएगा, 5 + 0 + 3 = 8, 8 + 7 = 15, 1 के लिए होगा 4, 4 + 6 = 10, 10 + 2 = 12, 1 के लिए होगा 4 + 4 = 8, + 1 = 9, + 5 = 14, + 8 = 22, 2 के लिए होगा 2 + 2 = 4, + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11, तो ये इसका इतना आंसर आ गया। हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। नेक्स्ट इसका हो गया 6 + 2 = 8, 6 + 5 = 11, 11 + 1 = 12, ठीक है, 1 6 + 2 = 8 + 1 9 + 1 10 1 5 + 6 + 2 = 8, ठीक है। इसका हो गया, इसको ऐसा गोला कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, यही होकर 0 7 + 8 = 9, 15 + 9 = 24, ठीक है।
तो 2a 15 प्लस 9 24 का 4 2 कैरी होगा 7 प्लस 2 9 प्लस 4 13 13 का 3 ठीक है जिसको जोड़ना नहीं आता जोड़ना भी सीख सकते हो है ना क्लास 10 में आके भी अभी भी कई ऐसे बच्चे जिनको एडिशन नहीं आता है तो आप इस तरह से टेक्निकली यूज कर सकते हैं ठीक है वो चाचू थे ना स्कूल में चाचू थे 6 प्लस 4 10 10 प्लस 4 14 ठीक है आदि किसका फोन है वो है यहां 1 कैरी है 14 प्लस 1 15 1 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 तब 3 हो गया 913.40 1122.50 ठीक है अब इसको जोड़ दो 4 प्लस 5 9 9 प्लस 8 17 ठीक है 1 कैरी हुआ 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 3 ठीक है 10 प्लस 8 18 और 2 ठीक है तो इसको 10 से डिवाइड करना है आपको इतना आया और 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा ये बस ठीक है 283.87 ठीक है एवरेज इतना आएगा तो आंसर आप लोग एक बार मिला दीजिएगा ओके नेक्स्ट फाइंड द एवरेज रेनफॉल फ्रॉम द डाटा तो एवरेज रेनफॉल निकल गया ठीक है नेक्स्ट आएगा नेम द फर्स्ट इवन नंबर्स फाइंड देयर एवरेज तो फर्स्ट इवन नंबर ठीक है 3 5 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है फाइंड एवरेज नेम द फर्स्ट इवन नंबर फर्स्ट 2 4 6 8 10 12 ठीक है 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 छूट गया ना सॉरी 16, 18 और 20, ठीक है तो ये फर्स्ट 10 इवन नंबर फर्स्ट 10 इवन नंबर्स यही ठीक है अब इसका एवरेज निकालना है तो इसको जोड़ना है आपको सीधी सी बात है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 बाई 10 ठीक है एवरेज या अर्थमेटिक मीन ठीक है अब देखिए इसमें सिंपल से जोड़ने का टेक्निक 6 प्लस 4 10 8 प्लस 2 10 प्लस 10 12 प्लस 18 30 ठीक है दोनों जोड़ोगे 30 ये दोनों जोड़ोगे 30 लास्ट में 20 अब जोड़ दो इसको जीरो का जीरो रहेगा 1 2 3 3 3 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11 यहाँ पर कितना आएगा 110 बाई 10 ये हो गया 11 ठीक है जीरो जीरो काट दो इसका एवरेज या अर्थमेटिक मीन क्या आया 11 ठीक है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ओके तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वे करेंगे ठीक है क्वेश्चन 4 5 से ओके आज के लिए इतना ही क्वेश्चन 4 5 6 7 तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 4 5 6 7 कैसे करना है ओके थैंक यू गुड डे